हेलो फ्रेंड्स, केम छो? ठीक छो? मज्जा मा छो? भाई मैं कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं यार। मतलब पहले तो मैंने एक मूवी देखी मैदान, जिसने मुझे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया, मतलब सीना चौड़ा कर दिया भाई। मतलब प्राउड फील कर रहा था कि यार इस तरह की मूवियां भी बनती है बॉलीवुड में। और फिर मैंने देखी BMCM, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसने भाई मुझे ये याद दिला दिया कि भाई बॉलीवुड की ही फिल्म देख रहे हो, इतना कोई भाव खाने की जरूरत नहीं है। मतलब यार इस तरह की वाहियात बवासीर, मतलब ये क्या था यार। अक्षय कुमार यार, मतलब एक लेजेंडरी आर्टिस्ट जिनकी मूवियां देख देख कर हम बड़े हुए, हेरा फेरी, गरम मसाला जैसी मूवियां बनाने वाला एक्टर अब इस तरह की मूवी में भी काम करेगा, मैंने नहीं सोचा था यार। और टाइगर श्रॉफ भाई, इस बंदे को मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली यार एक्टिंग नहीं आती है भाई। ये बंदा जो है ना सिर्फ लाते घुमाने के लिए आया है, और इस बंदे से तुम कॉमेडी भी करवा रहे हो। इस फिल्म में ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, वो भी अक्षय कुमार के सामने। और जो जो ये बोल रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था साला मुंह से जुलाब फेंक रहा है। मतलब क्या डायलॉग लिखे यार। एक तो फिल्म एकदम मैं बोलूंगा बवासीर थी ये मूवी। इस मूवी में जो है ना स्टोरी तो आप भूल जाओ, एक्शन के नाम पे भी ये मूवी धब्बा है भाई, धब्बा। और जो लोग इसको मतलब अच्छी रेटिंग दे रहे हैं ना, मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, लानत तुम लोगों की शक्लों पे। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, मतलब शर्म आनी चाहिए यार। स्टोरी की बात अगर मैं करूँ ना, तो पहले तो समझ जाओ कि स्टोरी कोई है नहीं। इस मूवी में जो है ना आपको ये देखने को मिलेगा कि दो इंडियन सोल्जर हैं, जो कि टॉप के सोल्जर हैं भाई। उनका मिशन ये होता है कि एक ऐसा ब्रेव सोल्जर था पुराना, जो कि भाई अब बागी हो चुका है, और उसके पास एक ऐसी चीज है जो अगर हासिल नहीं की तो भाई इंडिया पूरा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वही हासिल करने के लिए वो गुंडे के पीछे पड़े हुए, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन, इस बंदे ने जो है ना बहुत कोशिश की इस फिल्म की इज्जत बचाने की, लेकिन फिल्म की स्टोरी इतनी वाहियत थी कि भाई फिल्म को कैसे बचाएंगे यार। मतलब इतने वल्गर डायलॉग यार, इस तरह के डायलॉग बोलेंगे बहन चोद बच्चा भी जो है ना वो भी आपको गालियां देके निकल जाए। ऐसी फिल्म कोई बना कैसे सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। इस फिल्म में जो ना आपको गाने तो छोड़ ही दो भाई, एक गाना है जो इसका टाइटल ट्रैक है, उसमें ही आपके मुंह से गालियां निकलना शुरू हो जाएंगी। स्टोरी जब आप देखोगे तो आप बोलोगे साला ये 2.5 घंटा गुजरेगा कैसे। एक तो एक बेकार फिल्म, ऊपर से 2.5 घंटा भाई आपके टाइम की तो लगेगी, आपका दिमाग अलग खराब होगा भाई। मैं किसी तरह बोल रहा था यार मैं फास्ट फॉरवर्ड करके इस तरह खत्म करूं भाई इस फिल्म को, दिमाग खराब हो गया। एक्शन सारे वल्गर भाई, एक्शन के नाम पे धब्बा में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ भी कर लेने का अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का कुछ गोली वोली कुछ नहीं लगेगा भाई। जैसे गदर मूवी में नहीं सनी देओल चीर फाड़ कर देगा, बॉर्डर क्रॉस कर लेगा, लेकिन गोली उनको टच नहीं करने का। इस मूवी में भी इसी तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, आपको सामने वाले गुंडे जो है भाई इधर उधर फायरिंग करते हुए नजर आएंगे, इनको गोली टच नहीं करेगी, और ये इधर फायर मारेंगे तो इधर वाले सारे बंदे मरेंगे। इस तरह का मतलब वाहियात एक्शन। अबे भाई एक्शन अगर दिखाना ही है तो प्रॉपर करके दिखाओ यार। अब एक्शन सीन चल रहा है भाई, सीरियस एक्शन सीन है, बीच में अचानक से टाइगर श्रॉफ का वल्गर सा डायलॉग आएगा कॉमेडी करते हुए। अबे भाई जब कॉमेडी नहीं होती तो ऐसा करने की जरूरत क्या है, सीरियस सीन चल रहा है बीच में तुम कॉमेडी दे रहे हो, वो भी टाइगर श्रॉफ को, वो भी इतना पुअर लिखा हुआ डायलॉग, और सामने कौन है अक्षय कुमार, वो बंदा भी भाई मजबूरन उसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब मेरा तो दिमाग फट गया यार। मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको अपने 2.5 घंटे बचाने हैं ना, तो इस फिल्म से दूर रहना बॉस, इस फिल्म से बच के रहना। ये एक कोरोना वायरस की तरह है, जो अगर आपने देख ली तो जिंदगी भर आपके दिमाग में चिपकी रहेगी कि भाई ये 2.5 घंटे अब मैं वापस कहां से लाऊं। तो इस मूवी से बच के रहना, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। स्टोरी वाहियात है, एक्टिंग तो भाई बिल्कुल ही फारिग है यार, तो बिल्कुल मत देखना भाई। की जगह मैदान मूवी फटाफट जाकर देख डालो, और अगर रिव्यू अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर ठोकना भाई। मूवी से बच के रहना अभी बता रहा हूं, वरना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।